सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेड ट्रैप के सेकंड लेक्चर के बारे में। अब तक हम क्या कहानी देख चुके हैं कि एक रेड ट्रैप सेलर है, एक पेडलर है, जो कि बस सामान जो थोड़ा बहुत उसे कचरा वगैरह मिल जाता है, थोड़ी बहुत भीख मिल जाती है, उससे रेड ट्रैप बनाता है, छोटी मोटी भीख मांग करके अपना गुजर बसर कर रहा है। अकेला, एकांकी और एक दुखद जीवन जी रहा है, सड़क पर इधर उधर भटकता रहता है और लोगों के बारे में या दुनिया के बारे में उसकी एक अलग सी, एक विचित्र सी विचारधारा है। वो अलग सी या विचित्र की विचारधारा क्या है, तो वो विचारधारा या वो सोच ये है, ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक रेड ट्रैप है। ये पूरी दुनिया एक चूहेदानी है जो आपको अलग अलग तरह के बेट दिखाती है, चारा दिखाती है कि आओ और आकर के इसे खाओ। और जैसे ही कोई आदमी उस चारे के लिए जाता है, वह संसार रूपी रेड ट्रैप में फंस जाता है और वहीं पर मर जाता है। वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाता और ऐसा ही सोचते सोचते वह चलता रहता है और ऐसा इस दुनिया के बारे में सोचने में उसे बहुत आनंद महसूस होता है। एक दिन ऐसे ही चलते चलते शाम का समय आ जाता है, सर्दी का समय रहता है, तो एक उसे झोपड़ी दिखाई देती है। वहाँ जाकर के वह निवेदन करता है कि क्या मैं आज रात को यहाँ रुक सकता हूँ। झोपड़ी का मालिक जो एक क्रॉफ्टर होता है, एक किसान होता है पहले का, वो बहुत ही खुश होता है कि कोई तो आया, क्योंकि वह अपने जीवन में पूर्णतः अकेला होता है। उसके साथ समय बिताने के लिए परिवार, बीवी, बच्चे कोई भी नहीं होता, कोई भी उसके पास नहीं होता बात करने के लिए। इसीलिए इस मेहमान को आया हुआ देख करके वो बहुत खुश होता है। उसके आते ही दलिया चढ़ा देता है, उसे दलिया खिलाता है। दलिया खिलाने के बाद में ना केवल अपना खाना बल्कि अपना सिगार का टुकड़ा यानी कि तंबाकू भी उसके साथ शेयर करता है कि आओ हम दोनों बैठ के स्मोक करते हैं। लास्ट में वो एक पुरानी ताश की गड्डी निकालता है, ताश खेलते हैं दोनों मिलकर के और बहुत सारी एक दूसरे से बातें करते हैं, सीक्रेट शेयर करते हैं। तभी वो बताता है कि मैं पहले रामेश्वर आयरन मिल्स में काम किया करता था और साथ ही साथ मैं खेतों में खेती भी करता था, लेकिन क्योंकि अब मेरी आयु ज़्यादा हो गई है, वृद्धावस्था है, तो दोनों में से मैं कोई काम ज़्यादा नहीं कर पाता। अब मेरे पास गाय है और उस गाय से ही मैं अपना भरण पोषण करता हूँ। तुम विश्वास नहीं मानोगे, मुझे पिछले महीने 30 क्रोनर मिले। इस बात पर वह घुमक्कड़, वह पेडलर ऐसा शो करता है जैसे कि अरे यार, ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो असंभव है इतना पैसा, मतलब ऐसा चेहरे से भाव दर्शाता है, कहता नहीं है, बस भाव दर्शाता है, अविश्वास का भाव दर्शाता है। तो वह एक पाउच खोल करके उसे दिखाता है, देखो मेरे पास 30 रुपये हैं, और वापस उस पाउच को टाक देता है। रात को दोनों सो जाते हैं। अगले दिन उठ करके पेडलर जो है वो जाने लगता है अपने रास्ते पे और क्रॉफ्टर भाई साहब अपने रास्ते पे जाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद पेडलर जो है वापस आकर के घर के बाहर खड़ा हो जाता है, विंडो को तोड़ता है और उसमें से पैसे निकाल कर भाग जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अब मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तो मेन रोड को छोड़ करके जंगल की तरफ चला जाता है। जैसे ही जंगल की तरफ जाता है, भटकता रहता है और लास्ट में जाकर इतना ज़्यादा थक जाता है, जैसे कि उसे लगता है कि अब उसके शरीर में जान ही नहीं है। वो इतना थक गया है कि अब बस उसे मृत्यु ही हासिल होगी, अब उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। वहीं पर लेट जाता है और उसके पुराना विचार उसे वापस आता है कि देखो कैसे इस संसार के रेड ट्रैप ने मुझे भी फंसा लिया, क्योंकि वो 30 क्रोनर जो थे उसने चारे का काम किया और मैं रेड ट्रैप में फिर से फंस गया। अब उसे लगता है कि बस अब यहाँ पे पड़े रहकर मरने के अलावा और कोई साधन नहीं है। तभी उसे जोर जोर से लोहे को पीटने की आवाज़ आने लगती है और वो समझ जाता है कि आसपास लोग हैं। धीरे धीरे उस दिशा में जाना शुरू करता है और वहाँ जाकर के अनुमति लेता है वहाँ पर जो आयरन मास्टर होता है उससे कि मैं थोड़ी देर आग की भट्टी के पास बैठ सकता हूँ क्या। वो वहाँ बैठ जाता है और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था, इसके आगे का पार्ट अब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आई होप 2 से 3 मिनट में ही, 4 मिनट में ही मैंने पुराना पूरा बताने का प्रयास किया जो मुख्य बिंदु है, ताकि हम अब जो कहानी स्टार्ट होगी पार्ट टू में उससे हम रिलेट कर पाएं। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. Surely, निश्चित तौर पर अब उसका जो फॉर्ज में, उसका जो भट्टी में, यानी कि वहाँ जो भटियार खाना है उसमें आने का जो कारण है उसके लिए कहा जाता है श्योरली, निश्चित तौर पर ये कोई भी अनयूजुअल बात नहीं थी, यानी कि अस्वाभाविक नहीं था, यानी कि ये होता रहता था। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई भिखारी है और बाहर बहुत ठंड हो रही है, उसने रोशनी चमकती हुई देखी होगी, आ गया होगा कि यार मैं थोड़ी गर्मी ले लूँ वरना तो बाहर मर जाऊँगा। तो बिल्कुल भी अस्वाभाविक बात नहीं थी किसी भी गरीब घुमक्कड़ के लिए जिसके पास और कोई बेहतर आश्रय का स्थान ना हो, फॉर द नाइट, आज की रात बिताने के लिए, टू बी अट्रैक्टेड, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो आकर्षित हो जाए उस फॉर्ज की तरफ यानी उस मिल की तरफ, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ पर लाइट की चमक थी, विच एस्केप्ड थ्रू द सूथी पेन्स,
जो काले रंग के जो कांच के लगे हुए पेन्स थे, कांच के जो अपने ऊपर बड़े बड़े वो लगे हुए होते हैं ना झरोके, उसमें से अगर बहुत ज़्यादा रोशनी बाहर जाती है तो उसे देख करके लोग आ जाते हैं. एंड टू कम इन, और वह अंदर आए, टू वार्म देमसेल्फ, और वे भिखारी लोग या वे वेगाबॉन्ड्स घुमक्कड़ लोग अपने आप को गर्म रखना चाहें, इन फ्रंट ऑफ द फायर, इस आग के सामने. द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर. उसने, ब्लैक स्मिथ जो है यहाँ पर जो लोहार है जो ढलाई का काम कर रहे हैं, उसने बस कैजुअली ऐसे बस ठीक कोई आया क्या ठीक है ऐसे उसकी तरफ बस नज़र डाली, केवल कैजुअली साधारण तौर पर, एंड इनडिफरेंटली और निरपेक्ष भाव से कि हाँ ठीक है आया ठीक, ऐसा कोई विशेष उस पर प्रभाव नहीं पड़ा. उस इंट्रूडर पर घुसपैठिया, घुसपैठिया कौन था यहाँ पर, वही वेगाबॉन्ड जो पैसे चुरा के भागा. ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप, वे पहले से उसके तरह के लोग जो गरीब होते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, भिखारी होते हैं, ऐसे लोगों को वो पहले से जानता था. यूजुअली डिड, आमतौर पर वह जानता था, विद अ लॉन्ग बियर्ड, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है, डर्टी दिखने में गंदे होते हैं, रैग्ड फटे हाल या फटे पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स ड्रैगिंग ऑन हिज चेस्ट, और एक आध गुच्छा जो है रेड ट्रैप्स का, चूहेदानी का, उनकी छाती पर लटका हुआ होता है. तो ऐसे लोगों को वह पहले से जानता रहा है कि हाँ ऐसे लोग भिखारी और घुमक्कड़ लोग आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं. ही आस्क परमिशन टू स्टे, और वह वेगाबॉन्ड जो है, वह पेडलर जो है, वह मास्टर स्मिथ से परमिशन लेता है कि आपकी आज्ञा हो तो मैं आज, आपकी इजाज़त हो तो फायर के सामने रुक जाऊँ, अपने आप को जिंदा रख लूँ, मरूँ नहीं. एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड, और मास्टर ब्लैक स्मिथ जो है वो हाँ में सर हिला देता है, हाँ ठीक है बैठ जाओ कोई बात नहीं. अ हॉस्टी कंस्टेंस्ड, एक घमंड भरा, क्या ठीक है बैठ जाओ कोई बड़ी बात नहीं. तो एक घमंड के साथ वह उसे हाँ में स्वीकृति देता है कि ठीक है तुम बैठ सकते हो कोई दिक्कत नहीं. विदाउट ऑर्निंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, यानी कि उसे एक शब्द कहकर के भी सम्मानित तक नहीं करता, यानी कि उसके लिए ऐसा हो गया कि अगर मैं इसे इतना भी कहूँ ना कि यस या हाँ या बैठ जाओ सिट ओके, तो वह उस घुमक्कड़ को उतना सम्मान भी नहीं देना चाहता था कि हाँ कुछ बोले वो, उसने बस कर दिया बैठ जाओ इतना ही बस ठीक है. द ट्रैम्प डिड नॉट स्टे एनीथिंग, और वह घुमक्कड़ जो है वह कुछ भी नहीं कहता है, डिड नॉट से एनीथिंग का मतलब एक शब्द भी नहीं कहता है आइदर. तो ना तो मास्टर स्मिथ उसको एक शब्द कहता है, और हामी भरने के बाद ट्रैम्प यानी कि घुमक्कड़ व्यक्ति जो है ये भी कोई शब्द नहीं कहता. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, क्योंकि ये जो घुमक्कड़ व्यक्ति है, ये जो वेगाबॉन्ड है, वह वहाँ पर किसी से बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बस अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए और सोने के लिए आया था, उसका उद्देश्य इतना ही था. In those days, the Ramajua iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों में Ramajua iron mill जो है उसे own किया जाता था, यानी उसके मालिक थे एक बहुत ही प्रसिद्ध iron master, यानी कि लोहार, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. जिनका सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा, सबसे बड़े जीवन का लक्ष्य या सबसे महानतम, सबसे बड़ी इच्छा उनकी ये थी कि भैया वो बाहर भेजना चाहते थे, बेचना चाहते थे अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का आयरन मार्केट में बेचना चाहते थे. ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वे सुबह और शाम को दो बार दो दौरे पे आते, एक बार सुबह के दौरे पे आते और एक बार शाम के दौरे पे आते, ये देखने के लिए कि जो काम हो रहा है वो जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना ज़्यादा सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यानी कि मालिक जो है वो तो बैठ करके लोहा पीटेगा नहीं, वो आता है देखता है भाई क्या हुआ, क्या चल रहा है, कितना काम हुआ, ये हो गया क्या, वाह चलो ठीक शाम तक कर दोगे, हाँ शाम तक कर दो, फिर रात को एक राउंड काटेगा, अच्छा वो सुबह काम बोला था हो गया क्या, हाँ हो गया सब चलो ठीक. तो वो बस सुबह और शाम के राउंड पे ही आता है देखने के लिए कि जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण ही केम इन टू द फोर्ज, वह भी फैक्ट्री में आ गया. ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स, यानी कि रात्रि को जो राउंड काटने आता है, रात में जो भ्रमण करने, दौरा करने आता है, इंस्पेक्शन का, निरीक्षण के लिए जो राउंड काटने आता है, उसके लिए वो नाइट के समय के राउंड के लिए आ गया था. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रेगामफिन. अब देखो स्वाभाविक तौर पर बात है, सबसे पहली चीज जो उसने देखी या जिस पर उसका ध्यान दिया वो गंदे या फटे हाल, रेगामफिन यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जिसने रग्स पहन रखे हो, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हो, ऐसे फटे हाल व्यक्ति को उन्होंने देखा. हु हैड ईज्ड, जो कि
थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था या सरक रहा था, हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, यानी कि वो धीरे धीरे आगे सरकता जा रहा था, वो जो फर्नेस थी, वो जो भट्टी थी, उसके और ज्यादा नजदीक होता जा रहा था. दैट स्ट्रीम रोज फ्रॉम हिज वेट रग्स. अब देखो क्या हुआ, शाम के टाइम वो आ रहा था, कल मैंने बताया था बरसात होने लगी, बरसात हुई तो उसके सारे कपड़े भीग गए. अब जैसे जैसे वो भट्टी के नजदीक जा रहा है, करीब जा रहा है, वैसे वैसे उसे गर्मी ज्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से उसके जो कपड़े हैं, जो गीले कपड़े हैं, उसमें से भाप उठ रही है. ठीक है, तो यहां पर ये जो स्ट्रीम के लिए कहा गया है कि उसके गीले कपड़ों में से स्ट्रीम यानी कि भाप उठ रही थी और वो साफ दिखाई दे रही थी. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. तो आयरन मास्टर यानी कि ये जो मालिक है, इसने वह नहीं किया जो ब्लैक स्मिथ ने किया, यानी कि बाकी के लोहारों ने जो किया वो उसने नहीं किया. हु हार्डली डीम्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने मुश्किल से ही कृपा की हो या अनुग्रह किया हो स्ट्रेंजर को देखने में, यानी कि उनमें से सब बैठे हुए थे, वो आया, साहब बैठ जाऊं क्या आग के पास, ना देखा ना बात करी ना कुछ, मतलब बैठ जाते तो ठीक है. लेकिन जो मालिक था उसने ऐसा नहीं किया, वो उसके करीब गया, उसने ऐसे नहीं किया ठीक है पड़ा होगा, ऐसे इग्नोर करके वो आगे नहीं बढ़ा जैसे बाकी लोगों ने इग्नोर किया. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह चलता हुआ उसके अत्यधिक नजदीक आया. लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बहुत ध्यान से देखा. देन टोर ऑफ हिज स्क्लॉच हैट टू गेट अ बेटर व्यू, और उसके बाद झटके से उसकी जो ढीली ढाली टोपी थी वो हटा दिया ताकि बेहतर तरीके से उसे देख पाए. ऑफ हिज फेस, यानी उसके चेहरे को देख पाए. बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑलफ. अब यहाँ पर ये जो इस फैक्ट्री का मालिक है, ये इसे अपने पुराने मित्र के तौर पर पहचानता है, और उस मित्र का नाम क्या था, उसका नाम था नील्स ऑलफ. तो कहता है ओके ऑफ कोर्स, तो ये तुम हो नील्स ऑलफ. ही सेड, उसने कहा हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो, यानी कि वेगा बॉन्ड जैसे दिख रहे हो, तुम तो एक घुमक्कड़ जैसे दिखने लगे. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आयरन मास्टर, वो जो पहले आर्मी में काम करता था, वह अपने उसे आर्मी का साथी मानता है कि यार ये मेरा दोस्त हुआ करता था, आर्मी में हम साथ में सर्व करते थे, इसका नाम नील्स ऑलफ था. और अब वो इसको देख रहा है, अरे भाई तेरी तो हालत बहुत ख़राब है, तेरी तो स्थिति बिगड़ी हुई है भाई, हैं तू कैसा दिखने लग गया, तो मेरे को लगा नहीं था यार तू यहाँ दिखेगा, लेकिन अरे यार तो ये तो अपना दोस्त है, अपना भाई है यार, उसमें क्या है. तो वो उस तरीके से उसे पहचानता है. द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर सीन द आयरन मास्टर एट रामेश जो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज. और वह व्यक्ति जो रेड ट्रैप्स के साथ था, यानी हमारे घुमक्कड़ वाले अंकल, उन्होंने कभी भी पहले इस आयरन मास्टर को, इस मिल के मालिक को पहले कभी नहीं देखा था जो रामेश जो पर देख रहा था, और बल्कि उसका नाम भी नहीं जानता था. बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटिस He might perhaps throw him a couple of kronor. लेकिन उसी समय फिर से हमारे जो भाई साहब हैं, वेगाबॉन्ड भाई साहब, उनके दिमाग में फिर खुरापात आई कि यार इसको बताऊं कि नहीं बताऊं कि भाई मैं नील्स ऑलफ नहीं हूँ. तो कहता है यार चुप रहने में भलाई है, बढ़िया है अपन चुप रहते हैं, और इसको जो समझना है समझने दो. हो सकता है कि भाई ये मुझे अपना कोई पुराना जान पहचान वाला समझ रहा हो और मेरी दशा को देख करके एक दो क्रोनर, एक दो रुपये मेरे को भीख में दे देवे, तो बढ़िया ही है ना, क्या दिक्कत है, मैं रात को सो भी जाऊंगा, एक आध रुपए की भीख भी मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं. इट अकर्ड टू हिम, ये उसके दिमाग में विचार आया, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, के ये जो भला आदमी है, थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटिस, अगर ये ऐसा सोचता है कि मैं इसका पुराना कोई साथी हूँ, ये मेरा पुराना साथी है, ही माइट परहैप्स थ्रो, शायद वो फेंक देगा टू हिम यानी उसके ऊपर अ कपल ऑफ क्रोनर, एक दो रुपए है ना, क्रोनर ये इस तरीके के होते हैं. Therefore, इसीलिए he did not want to undeceive. Undeceive का मतलब होता है कोई अगर भ्रम में है, संदेह में है, तो उसका संदेह या भ्रम दूर करना. तो वह उसका भ्रम या संदेह दूर नहीं करना चाहता था at all, बिल्कुल भी नहीं. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. और इस पर अब ये जो वेगावंड भाई साहब हैं, ये सीधा कहता है कि हाँ चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी खराब हो गई, थोड़ी सी बुरी हो गई थी, और You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. और Iron Master जो है वो कहता है तुम्हें आर्मी की जो रेजिमेंट है उससे अपना त्याग पत्र, अपना रेजिग्नेशन लेटर नहीं देना चाहिए था. That was the mistake. If only I had still been in service at the time, it would never would have happened.
और इस पर वेगाबॉन्ड वापस पलट के कहता है कि हाँ निश्चित तौर पर वह एक गलती थी, अगर मैं अभी भी सर्विस में होता, अगर मैं अभी भी आर्मी की सेवा में होता इस समय भी, इट नेवर वुड बीन हैपन, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। अब इस पर आयरन मास्टर जो है वो कहता है कि चलो ठीक है जो भी है, अब बस बात ये है कि प्योर पक्की बात है अब तुम मेरे साथ घर चल रहे हो, ठीक है, जो हो गया हो गया, बुरा हो गया ठीक है, बुरा समय आया, सब कुछ डाउनहिल चला गया, सब बर्बाद हो गया, तुम सड़क पर आ गए, तुम घुमक्कड़ बन गए, भिखारी बन गए, चोर बन गए, सब छोड़ो, कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ छोड़ो, अब तुम मेरे साथ यहाँ से सीधे मेरे घर चलोगे, अब तुम्हें मेरे घर चलना होगा क्योंकि तुम मेरे पुराने परिचित हो, दोस्त हो, साथी हो। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, यानी कि उस कोठी में या उस मालिक के घर में जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम। अब ये जो विचार था कि मुझे इसके घर जाना पड़ेगा और इसके पुराने रेजिमेंट के कॉमरेड यानी साथी के मित्र के रूप में मुझे वहां पर जो भी स्वागत मेरा होगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा, ये जो विचार था, इस विचार से हमारे ट्रैम्प भाई साहब, हमारे वेगाबॉन्ड भाई साहब, हमारे ट्रैवलर भाई साहब, हमारे रेड ट्रैपर भाई साहब बिल्कुल भी इस विचार से खुश नहीं थे। बोले कि भैया यहां से कहीं नहीं जाना, अपने को नहीं जाने का तेरे साथ तेरे घर, थैंक यू, तू बस मुझे यहाँ पड़ा रहने दे, मुझे यहाँ सोने दे, मुझे नहीं जाना है क्योंकि मुझे पता है मैंने झूठ बोला है और तेरी बात का ऐसे जवाब दिया है कि तू मुझे और ज़्यादा अपना साथी समझे, तो इसलिए मेरे को कहीं नहीं जाना। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट ही सेड, उसने कहा नहीं नहीं मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बहुत ज़्यादा चौंकते हुए, चमकते हुए, वैसे यहाँ पे जो अलार्म्ड है ना वो थोड़ा सा डर का भाव भी देगा, वो चौकन्ना तो है लेकिन डर की वजह से चौकन्ना है कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए कि मैं वास्तविकता में कौन हूँ। ही थॉट ऑफ द 30 crown और वह उन 3 crown के बारे, 30 crown के बारे में सोचता है कि कहीं इसको नहीं पता चल जाए मैं चोरी करके भागाऊँ। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरी इन टू द लॉयंस डेन, और मालिक के घर में जाना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे अपने आप को अपनी इच्छा से ही शेर की मांद में फेंक देना। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously, है ना? अब inconspicuously का मतलब क्या होता है? Inconspicuously का मतलब है चोरी से, चुपके से, बिना किसी के पता लगे, बिना किसी की जानकारी के, as possible जितना संभव हो सके। The Iron Master assumed that he felt embarrassed, और Iron Master को ऐसा लगा, वो ऐसा सोचने लगा या उसने ऐसा समझा कि अच्छा ये मेरे को इसलिए मना कर रहा है क्योंकि इसके फटे पुराना हाल है ना, बहुत बुरी इसकी स्थिति हुई भी है, इससे परेशान हो रहा है, एम्बेरेस्ड हो रहा है, असहज महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि उसने बहुत ही बुरे, बहुत ही गंदे, बहुत ही बेकार से कपड़े उसने पहन रखे हैं। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर, प्लीज ऐसा मत सोचो कि मेरा कोई बहुत अच्छा, बहुत कोई शानदार घर है जहां तुम नहीं चल सकते। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, उसकी वाइफ है तो एलिजाबेथ जो है उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने शायद सुना होगा, माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बच्चे जो हैं विदेश में रहते हैं, एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा हम दोनों के अतिरिक्त घर में और कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि यार ये मेरे लिए कितनी बुरी बात है कि हमारे घर में, अब जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि क्रिसमस से पहले का समय चल रहा है, लास्ट दिसंबर का समय चल रहा है, तो यहाँ पर जो फैक्ट्री का मालिक है वो उसे कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा है कि देख यार एक दो दिन में क्रिसमस है, और हमारे लिए कितनी बुरी बात है कि कोई है ही नहीं हमारे घर पर, बस मैं हूँ, मेरी बड़ी बेटी है, हम किसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेशन करने के लिए कोई है ही नहीं, क्रिसमस मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए कोई साथी संगी कोई भी नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो अब प्लीज मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो और हमारी मदद करो ताकि क्रिसमस का जो भी खाना बने उसे थोड़ा जल्दी से गायब किया जा सके, थोड़ा तेजी से उसको खा के अपन सब खत्म कर दें। थोड़ा हंसी मजाक वाले तरीके से मनाने की कोशिश कर रहा भाई, चल ले चल ले चल ले, इंडिया में ऐसे नहीं थे, इंडिया में तो 2-3 बार दोस्त को बोल दिया भाई चल रहा है, नहीं चलेगा, नहीं चल ले, नहीं देख ले, नहीं, अब उसके बाद में या तो उसको बोलेंगे तू जाने तेरा काम जाने मैं जा रहा हूँ, और नहीं
तो सबसे प्रेम पूर्वक उसको पकड़ेंगे, उठाएंगे, उठा के एक बार वापस जमीन पर पटकेंगे, गर्दन पकड़ेंगे, चल। तो दोनों में से एक ही काम होता है इंडिया में। तो अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त नहीं है और आपका बहुत ज़्यादा मन भी नहीं है उसे घर ले जाने का, तो आप बोलोगे कि वाह ठीक है बाड़ में जाए यार, मत चल, तेरे को नहीं चलना मत चल, परेशान मत कर। और अगर बहुत ज़्यादा जिगरी है और आपको लगता है नहीं मुझे इसको घर लेके ही जाना है, तो लेटा हुआ तो है ही, पतला दुबला कमज़ोर भी है, तो एक बार उठाया, एक बार फिर से ज़मीन पर पटका, गर्दन पकड़ी, चल। तो वो वाली बात है, खैर जोक सा पार्ट, मजाक कर रहा हूँ, किसी को ऐसे उठा के पटक मत देना, पता पड़ेगा तुम मेरा नाम लेकर के बोले सर ने बोला था, बोले खास जिगरी दोस्त होते हैं उनको तो उठा के पटक दो, ऐसा मत करना। तो यहाँ पर वो कुल मिलाकर के उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रहा है कि यार देखो, देख भाई प्लीज चल ले, आजा, देख घर पे कोई नहीं है, आजा अपन बहुत मस्ती करेंगे, खाना पीना करेंगे, सब करेंगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन इस अनजान इंसान ने कहा नो, एंड नो, और फिर से कहा नो, एंड अगेन नो, और फिर से कहा नो। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने देखा कि अब उसे हार माननी होगी, यानी कि वो इतनी बार और इतना स्ट्रांगली मना कर रहा है, तो अब अच्छा नहीं लगता कि मैं इसके साथ और ज़्यादा ज़बरदस्ती करूं, क्योंकि पहले ही बहुत बुरे हालातों से गुजरा है, बहुत दयनीय स्थिति में जीवन जी रहा है, मैं किसी भी तरीके से इसकी अंतरात्मा को और ठेस नहीं पहुंचाना चाहता कैसी भी ज़बरदस्ती करके, है ना। कई बार कई लोग अपने जीवन में ऐसा समय गुजारते हैं, बिताते हैं, जहाँ उनके जीवन में दुख आता है, और वो इतने ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं कि कोई अगर मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाए तो उस हाथ को हटा देते हैं, बोले कि नहीं यार मेरा जीवन है, मेरी समस्या है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो आयरन मास्टर है उसको ये लग रहा है कि कहीं मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के चक्कर में मैं इसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट ना कर दूँ, इसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचा दूँ, कि यार ये तो बिल्कुल ही ऐसा समझ रहा है कि भिखारी हो गया तो ले चल मैं तेरे को खाना पीना कर, तू कराएगा मेरे को खाना पीना, तो कहीं ऐसा भाव ना आ जाए उसके मन में। तो इसलिए आयरन मास्टर अब चाह करके भी और ज़्यादा उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर है कि कहीं मैं इसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचा दूं। ठीक है गाइस, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहल, अब ये भैया कौन है, तो कैप्टन वॉन स्टेहल जो है, यानी कि जिसे ओलोफ के नाम से जाना गया, वो प्रेफर करेंगे आपके साथ ही रहना आज रात को। वह कहता है वहाँ के जो भी वर्कर्स होते हैं, स्टर्जन स्टॉर्म करके जो है वर्कर उसको कहता है, वह कहता है कि भैया मुझे लगता है कि आज हमारे कैप्टन साहब जो है आज की रात तुम्हारे साथ ही यहाँ भट्टी में इस फर्नेस के पास में बिताना चाहते हैं। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, वह मास्टर ब्लैकस्मिथ यानी कि सबसे बड़ा जो सबसे स्टार्टिंग में जिससे परमिशन लेता है उसे कहता है, टर्नड ऑन हिज हील, और अचानक से वह मुड़ जाता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वह अपने मन में ही हंसता रहता है और चला जाता है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और ब्लैक स्मिथ जो कि उसे जानता है अच्छे तरीके से, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, और वह समझ जाता है कि भैया उसने अपने आखिरी शब्द नहीं कहे थे, यानी कि वह कह करके तो जाता है कि कैप्टन वॉन स्टेहल जो है अब आपके साथ ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई ध्यान रखना इनका, मैं जा रहा हूँ, और हंसते हुए वहां से मुड़ जाता है। इससे जो वहां पे सामने बैठा होता है ब्लैक स्मिथ, वो समझ जाता है कि अच्छा ये वापस आएगा इसको लेने के लिए, ये इसको यार छोड़ के नहीं जाने वाला। तो इसका मतलब वो क्या समझ जाता है कि भैया लास्ट में जो ये वर्ड्स कहे गए कि भैया कैप्टन वॉन स्टेहल जो आपके साथ ही रहने वाले हैं, वो वास्तविकता में यहाँ मैं उनको रहने नहीं दूंगा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे का भी समय नहीं हुआ, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिएज, जब उन्होंने कैरिएज बोलते हैं बग्घी को, घोड़ा गाड़ी को, उसकी आवाज़ सुनी, व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज, भट्टी के यानी कि जो उनकी फैक्ट्री थी उसके बाहर उन्होंने पहियों की आवाज़ सुनी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया अतिथि अंदर आया, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार ये आयरन मास्टर यानी कि फैक्ट्री का मालिक नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था अपेरेंटली स्पष्ट रूप से, होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ पर्सुएशन, ये उम्मीद करते हुए कि उसके पास बेहतर शक्तियां हैं पर्सुएशन की। पर्सुएशन का मतलब होता है किसी को राजी करना, किसी को मनाना, तो किसी को मनाने की जो ताकत, जो शक्तियां महिलाओं में होती है पुरुषों में नहीं होती है। पुरुष दो तीन, मैंने बताया ना, पुरुष दो तीन बार मनाते हैं उसके बाद या तो कहते हैं कि वाह ठीक है रहने दे, वरना तो उठा के पटक देते हैं, तो महिलाओं का ऐसा नहीं है, वो नहीं उठा के पटकती किसी को। तो बेटर पावर पर्सुएशन की मनाने की देन ही हिमसेल्फ, यानी कि उसे लगा कि यार मैं नहीं मना पा रहा लेकिन मेरी बेटी जो है वो इसे मना लेगी घर आने के लिए। She entered, वो अंदर प्रवेश करती है, followed by a valet. Valet होता है निजी नौकर जो होता है उसको कहा जाता है, वैले कहा जाता है वैसे इसे, लिखते valet है, कहते वैले हैं, ठीक है। Carrying on his arm a big fur coat,
और वह कैरी यानी उठा करके लाता है अपने हाथों में एक बड़ा सा फरका। फर तो सभी लोग जानते हैं, वो वैसा नहीं होता भालू के बालों जैसा, वैसा एक कोट लेके आता है। शी वॉज नॉट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट, वह बहुत ज़्यादा कोई आकर्षक बहुत प्यारी नहीं थी लेकिन वह काफ़ी शालीन दिखाई देती थी, मॉडेस्ट थी एंड क्वाइट शाय, और थोड़ी सी संकोचशील भी थी, थोड़ी सी शाय भी थी, थोड़ी शर्म से रहने वाली लड़की थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, फॉर्ज में उस फैक्ट्री में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि आज शाम को पहले था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन द बेंच, मास्टर ब्लैक स्मिथ और उनके जो भी प्रशिशु हैं, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिशु, जो भी उनके चेले चपाटे हैं प्रशिक्षु, ठीक है, वो सारे के सारे अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और चारकोल यानी कि कोयला अभी भी भट्टियों में चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, तो ये जो अजनबी अजीब सा इंसान था वह पसरा हुआ था। स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ का मतलब उसने खुद को अपने आप को फैला रखा था, पसरा रखा था, मस्त पसर के सो रहा था, और उसके सर के नीचे एक पिग आयरन जो कच्चा लोहा आता है उसका एक टुकड़ा पड़ा होता है, यानी सराहने की तरह पत्थर को अपना सराहना बना करके, सिरहाना बना करके सो रहा था। एंड हिज हैट पुल डाउन ऑन हिज आईज, और उसकी हैट उसकी आंखों पर रखी हुई थी। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस युवती की, यंग गर्ल का मतलब है युवती, उसकी नजर उस पर पड़ी, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वे उसके पास गई और उसकी हेड को उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, और साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वो आदमी एक आंख खोलकर सोया करता था। कौन सोता है एक आंख खोल करके, लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है कि उनकी आंखें आधी आधी खुली रहती है सोते टाइम। आप में से आपने कभी किसी ऐसे को देखा है कि जो सो रहा है लेकिन उसकी आंखें लगभग कितनी खुली है, मतलब बस हल्की सी ही बंद है, ऊपर से 40% बंद है, नीचे से 60% तक खुली हुई है। तो वन आई ओपन, एक आंख खोल करके एक आंख बंद करके सो रहा था, कोई आए तो दिख जाए भैया, पता चल जाए, ठीक है। ही जंप्ड अप अब्रप्टली, अचानक से ऐसी किसी महिला को अपने पास देखकर, लड़की को अपने पास देखकर वो उछल पड़ा। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंडेड, और थोड़ा सा डरा हुआ, भयभीत हुआ सा दिखाई दे रहा था, वो एकदम से डर गया, यार भाई ये कौन है, कौन नहीं है, क्या है, क्यों आकर के मेरे पास बैठी है। माई नेम इज एडला विलमेंसन, मेरा नाम एडला विलमेंसन है, वो कहती है। सेट द यंग गर्ल, वह यंग प्यारी सी गर्ल कहती है, माई फादर केम होम एंड सेट दैट यू वॉन्ट टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टू नाइट, मेरे पिता अभी घर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि आप आज रात को यहाँ पर फैक्ट्री में ही सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तब मैंने उनसे परमिशन ली यहाँ आने की, और मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं आपको अपने साथ घर ले जा सकती हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है ये कहते हुए मिस्टर कैप्टन कि आपने बहुत ही बुरा समय अपने जीवन में देखा है, ठीक है, कि आप अपना जीवन में इतना बुरा समय देख रहे हैं, हैविंग यानी कि अभी भी देख ही रहे हैं ना, अभी बुरा समय चल ही रहा है, तो मैं इसको लेकर के मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे मन में बहुत ही दुख है, और उस दुख से मैं आपको कहती हूँ कि मुझे बहुत तकलीफ हुई आपको इस स्थिति में देख करके। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विथ हर हैवी आईज, उन्होंने बहुत ही स्नेहपूर्वक सहानुभूतिपूर्वक दया दिखाते हुए उसकी ओर देखा अपनी गंभीर आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, उसके बाद उसने ध्यान दिया कि ये व्यक्ति जो है ये भयभीत अवस्था में है, भैया इसको और कुछ नहीं है, इसको डर लग रहा है, ये बहुत ही डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो इसने कुछ चुराया होगा या ये जेल से भागा होगा। शी थॉट, उसने सोचा, एंड एडिड क्विकली, और तुरंत अपनी बात में आगे बात जोड़ दी, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, तो उसको थोड़ा विश्वास दिलाने के लिए कहते कि भाई देख कुछ चोरी करके भी आया है, जेल से भाग के आया है, मैं तेरे से वादा करती हूँ कि भैया जैसे तू स्वतंत्रता से अभी हमारे साथ हमारे घर रहेगा वैसे ही स्वतंत्रता से हम तुझे वहाँ से जाने देंगे। तो ऐसा नहीं कर रहे तेरे साथ के तेरे को घर ले गए और वहाँ से पुलिस वालों के हवाले कर दिया या वापस तेरे को जेल में डाल दिया। तो अगर तेरे को ऐसा कोई डर है तो उस डर को अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। तो जैसे आप फ्रीली हमारे साथ चलोगे
आपको मैं श्योर करती हूँ, आश्वस्त करती हूँ कैप्टन, यू विल बी अलाउड टू लीव। आपको वहाँ से निकलने की भी बिल्कुल वैसे ही अनुमति होगी। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। केवल बस हमारे साथ क्रिसमस की ईव जो है, क्रिसमस की शाम जो है, हमारे साथ बिता दीजिए। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। और उसने ये बात इतने मित्रतापूर्ण ढंग से कही होगी कि रेड ट्रैप पेडलर जो है निश्चित तौर पर उसके मन में उस लड़की यानी कि एडला विलमेंसन के प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया, विश्वास जागृत हो गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योरसेल्फ मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस। ऐसा कभी भी नहीं होगा मिस कि आपको मेरी वजह से परेशान या चिंतित होना पड़े। विथ मी योरसेल्फ, आपको अपने आप को चिंतित करना पड़े, परेशान करना पड़े, वो भी मेरे साथ होते हुए मिस। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत ही आपके साथ चलता हूँ, मैं तुरंत ही आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और वो जो फर वाला कोट था, मुलायम सा, सॉफ्टी सा, वो भी उसने स्वीकार कर लिया, विच द वैले हैंडेड हिम, जो उस वैले ने, उस नौकर ने उन्हें सुपुर्द किया था। विद अ डीप बो, और बहुत ज़्यादा झुकते हुए, नमस्कार करते हुए, थ्रू इट ओवर हिज रेग्स, और उसने उसे अपने रेग्स पर, फटे पुराने कपड़ों पर पहन लिया। फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरियज, और फॉलो किया उस यंग लेडी को बाहर गाड़ी तक, यानी कि कैरियज बग्गी तक, विदाउट ग्रेंटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ्स सो मच एज अ ग्लैंस, और उसने कोई भी आश्चर्य नहीं दिखाया उन सारे के सारे लोहारों को जो वहाँ पर बैठे हुए थे, एक भी निगाह में, यानी बस एक निगाह में देखा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे वो आश्चर्यचकित हों। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉर बॉडीज, यानी कि जैसे ही वो उस मैनर के, यानी कि उस मालिक के घर में घुस रहा था जो उस फैक्ट्री का मालिक था, ही हैड एविल फॉर बॉडीज, उसे अनिष्ट की, कुछ गलत होने की, कुछ बुरा होने की आशंका उसके मन में जागने लगी कि भैया इस महिला की बात सुन के मैं आ तो गया, बहुत इसने कॉन्फिडेंस दिलाया, मैं कॉन्फिडेंट हो भी गया, फंस नहीं जाऊं, क्योंकि इसका जो घर है ना बहुत आलीशान है, और अगर इसको पता चला ना ये छोड़ेगा नहीं अपने को, मतलब ये इतना पावरफुल आदमी है कि ये अपनी कब्र खोद के ही मानेगा उसके बाद, उसके बाद तो अपना जेल जाना तय है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो ऐसे बुरे विचार उसके मन में आने लगे, थोड़ा सा उसे डर सताने लगा। Why the devil did I take the fellow's money? ऐसा क्या हो गया था, हे भगवान, हे शैतान, क्यों मैंने उस अच्छे आदमी का पैसा लिया? He thought, उसने सोचा, Now I am sitting in the trap and will never get out of it. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. अब मैं यहाँ पर इस जाल में, इस पिंजरे में फंस गया हूँ और इससे कभी बाहर नहीं आ सकता। The next day was Christmas Eve. अगले दिन की जो शाम थी वो क्रिसमस की ईव थी। And when the Iron Master came into the dining room, और जब Iron Master जो है dining room में आए for breakfast के लिए, he probably thought with satisfaction. उन्होंने शायद सोचा होगा आत्मसंतुष्टि के साथ of his old regimental comrade, अपने पुराने regiment के साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, जिनसे वो अचानक ही अप्रत्याशित रूप से, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसी किसी परिस्थिति में वो अपने ऐसे साथी से मिलेंगे, लेकिन बहुत ही अनअनुमानित तरीके से वो अपने साथी से मिले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। सबसे पहले हमें ये देखना होगा या ये करना होगा कि कैसे इसकी जो हड्डियाँ हैं उस पर कुछ मांस चढ़ाया जाए। अब मांस ऐसे कोई काट काट के तो चढ़ाएंगे नहीं, तो इसको भाई खिलाना है, पिलाना है, और अभी इसको पहले वापस एक बार तगड़ा करना है। सबसे पहला काम हमें ये करना है। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो डाइनिंग टेबल को सजाने में व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और उसके बाद हमें इनके लिए कुछ काम ढूंढना होगा, हमें इनके लिए कोई बिजनेस, कोई जॉब, कुछ ना कुछ ढूंढनी होगी, क्योंकि ये ऐसे ही अगर भटकता रहा पूरे देश भर में रेड ट्रैप बेचता हुआ तो कोई मतलब नहीं है। तो इस काम की जगह इसके लिए कोई ढंग का कोई दूसरा काम हमें ढूंढना होगा। इट इज क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल्स। ये कितना विचित्र है, कितना अजीब है कि चीज़ें कितनी बुरे हालात में चली गई या हालात कितने ज़्यादा बिगड़ गए विद हिम, इसके साथ, एज बैडली एज दैट, जितना बुरा हो सकता था जैसा कि ये हुआ है।
said the daughter. Daughter ने कहा, last night I did not think there was anything about him to show. पिछली रात ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं इसके बारे में तुम्हें बता सकता, या कि इसके व्यवहार में कुछ भी ऐसा नहीं था कल रात को जब मैं बात कर रहा था जिससे मैं ये कह सकूं कि एक समय में सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था. आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. कल रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे हम ये सोच सकें कि एक समय में ये कोई सम्मानित, अच्छा या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हुआ करता था. ठीक है गाइस, तो अब तक की बात यहाँ पर हमारी हो चुकी है. अब आगे क्या होने वाला है, फिर से एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें सारा का सारा सस्पेंस खुलेगा और हम देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा. आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, वो पकड़ में आएगा या नहीं आएगा? ये आपको अगर पता चल जाए कि भैया ये चोर है और आपके घर में रह रहा है, आप उसके साथ क्या करोगे? अपनी जो भी सोचो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहेंगे जिसे आप विश्वास दिलाकर अपने घर में लेकर के आए और बाद में अगर आपको पता चल गया कि वो एक चोर है तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. आई विल सी यू सून.